जी, साल का आखिरी प्रदोष व्रत कब है और इस प्रदोष व्रत का क्या खास महत्व है? इस दिन क्या उपाय करना चाहिए? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। यह महीना जो साल का अंतिम महीना मार्गशीर्ष है, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 दिसंबर रविवार को पड़ रहा है। उस दिन प्रदोष व्रत किया जा सकता है, उसी दिन प्रदोष व्रत करना चाहिए। और इस बार जो प्रदोष व्रत लग रहा है रविवार को, तो रवि ज्युति यदि प्रदोष में हो जाए तो रवि योग कहते हैं या रवि प्रदोष भी कहते हैं। तो इस वर्ष मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रविवार 24 दिसंबर को प्रदोष व्रत होगा। इस दिन शंकर भगवान की पूजा की विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष महीने में, जो कि विष्णु भगवान का प्रिय महीना है मार्गशीर्ष, और इसमें यदि शंकर जी की पूजा की जाए तो हरिहरात्मक प्रदोष बनता है। इसलिए रविवार को प्रदोष व्रत करना चाहिए, शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। इससे शंकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह विष्णु का महीना है। इसलिए शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपने नहीं भावा, विष्णु भगवान कहते हैं। तो विष्णु भगवान और शंकर भगवान में अन्योन्याश्रय संबंध जो है इस महीने में हो रहा है, इसलिए इसका महत्व, इस प्रदोष का महत्व विशेष रूप से माना गया है।